हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और ये एग्ज़ाम रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए हुआ था 17 जुलाई 2021 को। इस एग्ज़ाम में जो पोस्ट का जो नेम था वो था रेडियोग्राफर और अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। इस एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो 90 थे, ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स थे इसमें वो 90 थे। मीन्स हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर इसमें दिया गया था। इसके लिए जो टोटल टाइम हमें दिया गया था सॉल्व करने के लिए वो था 1 आवर 30 मिनट्स, मीन्स 90 मिनट्स टोटल। मीन्स हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 मिनट था इसमें। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस क्वेश्चन पेपर में रेडियोग्राफी क्वेश्चन के साथ साथ हरियाणा बेस्ड क्वेश्चन प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स के क्वेश्चन इसमें मिक्स करके डाले गए हैं। तो मैंने सिर्फ रेडियोग्राफी क्वेश्चन इसमें मार्क कर लिए हैं और हम सिर्फ रेडियोग्राफी क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मार्क किया हुआ है, ये एक रेडियोग्राफी क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कन्वेंशनल स्पीड ऑफ एनोड रोटेशन इन ए एक्सरे ट्यूब इज ऑप्शन ए 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट, ऑप्शन बी 2000 रिवोल्यूशन पर मिनट, ऑप्शन सी 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट, ऑप्शन डी 500 रिवोल्यूशन पर मिनट। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट। एक्सरे ट्यूब में जो एनोड रोटेशन होती है वो उसकी स्पीड होती है 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट। इस पेज पर रेडियोग्राफी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 9 है। द रीजन्स फॉर यूजिंग बेरियम सल्फेट फॉर जीआई स्टडीज इज ऑप्शन ए एब्जॉर्बेबल, ऑप्शन बी टॉक्सिक, ऑप्शन बी इनसॉल्युबल इन वाटर लिपिड, ऑप्शन डी लो रेडियो अपैक। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इनसॉल्युबल इन वाटर और लिपिड। हम जो बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं जीआई स्टडीज के लिए वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल होता है और लिपिड में भी इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 10। फॉर ए सीटीओ प्रोसीजर पेशेंट शुड बी टोल्ड टू अवॉइड फूड इनटेक डैश बिफोर द एग्जामिनेशन, ऑप्शन ए 6 आवर्स, ऑप्शन बी 10 आवर्स, ऑप्शन सी 18 आवर्स, ऑप्शन डी 24 आवर्स। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 आवर्स। कोई भी सीटी यूरोग्राफी प्रोसीजर के लिए पेशेंट्स को मिनिमम 6 आवर्स की फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए 6 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 12। डाइकॉम रेफर्स टू ऑप्शन ए डायरेक्ट इमेजिंग एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन, ऑप्शन बी डेफिनेट इमेजिंग एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन, ऑप्शन सी डिजिटल इमेज एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन, ऑप्शन डी डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 20। मेन टाइप्स ऑफ ट्यूब सपोर्ट, ऑप्शन ए फ्लोर और फ्लोर टू सीलिंग ट्यूब स्टैंड्स, ऑप्शन बी सीलिंग सस्पेंडेड ट्यूब सपोर्ट्स, ऑप्शन सी माउंटिंग ऑन ए सी आर्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक्सरे ट्यूब के सपोर्ट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है, पहला होता है फ्लोर और फ्लोर टू सीलिंग ट्यूब स्टैंड, दूसरा होता है सीलिंग सस्पेंडेड ट्यूब, और तीसरा होता है माउंटिंग ऑन ए सी आर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन डिस्क्राइबिंग पोजीशनिंग फॉर अपर लिम प्रोजेक्शंस, द पेशेंट विल ऑफन बी ऑप्शन ए सीटेड बाय द टेबल, ऑप्शन बी लाइंग ऑन द बैक, ऑप्शन सी स्टैंडिंग बाय द टेबल, ऑप्शन डी लाइंग फेस डाउन। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीटेड बाय द टेबल। हम जब भी कोई अपर लिम का एक्सरे करते हैं तो पेशेंट को टेबल के साइड में हम बिठा के करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए सीटेड बाय द टेबल। क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई द एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाविकल, ऑप्शन ए द लैटरल एंड ऑफ द क्लाविकल विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड क्लियर नियर द सर्वाइकल रीजन, ऑप्शन बी द एंटायर लेंथ ऑफ द क्लाविकल शुड बी इंक्लूडेड ऑन द इमेज, ऑप्शन सी देयर शुड बी फॉर शॉर्टनिंग ऑफ द क्लाविकल, ऑप्शन डी द एक्सपोजर शुड नॉट डिमॉन्स्ट्रेट बोथ द मीडियल एंड द लैटरल एंड्स ऑफ द क्लाविकल। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द एंटायर लेंथ ऑफ द क्लाविकल शुड बी इंक्लूडेड ऑन द इमेज।
हम जब भी कोई क्लाविकल का एक्सरे करते हैं तो उसमें जो क्लाविकल की जो इंटायर लेंथ है वो इमेज पर आनी चाहिए, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कंटेनिंग ओनली सोडियम आर, ऑप्शन ए कॉन्ट्रेड 420, ऑप्शन बी ट्राई वीडियो 420, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 27, वन माउथफुल आई ई अबाउट डैश ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेरियम सल्फेट पेस्ट इज गिवन एंड फ्लोरोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्ट ऑफ डिग्लूटिशन इज ऑब्जर्व्ड इन फ्रंटल एंड लैटरल व्यू विद द पेशेंट इरेक्ट। ऑप्शन ए 10 to 15 ml, ऑप्शन बी 20 to 30 ml, ऑप्शन सी 30 to 50 ml, ऑप्शन डी 50 to 70 ml। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 to 15 ml। हम बेरियम सल्फेट जब पेशेंट को देते हैं तो जो वन माउथफुल होता है वो अप्रॉक्स 10 to 15 ml होता है। क्वेश्चन नंबर 28, MR ऑर्थोग्राफी इज ए डैश इमेजिंग टेक्निक यूज टू इवेल्युएट द इंटर कैप्सुलर पार्ट ऑफ जॉइंट विद द हेल्प ऑफ कैप्सुलर डिस्टेंशन यूजिंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। ऑप्शन ए नॉन इन्वेसिव, ऑप्शन बी इन्वेसिव, ऑप्शन सी सेमी इन्वेसिव, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेमी इन्वेसिव। MR ऑर्थोग्राफी क्या होता है, इसमें हम जॉइंट में कॉन्ट्रास्ट पुश करते हैं, ठीक है, गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं MR में, तो वो कॉन्ट्रास्ट हम जॉइंट पुश करते हैं, उसके बाद हम उस जॉइंट का इमेज लेते हैं। ठीक है, तो MR ऑर्थोग्राफी पूरी तरह से नॉन इन्वेसिव नहीं कह सकते हम इसको, तो इसको हम इसलिए सेमी इन्वेसिव बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर सी सेमी इन्वेसिव। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन द मीडियल सजाइटल प्लेन इज एट राइट एंगल्स टू द कैसेट राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर ऑब्लिक प्रोजेक्शंस मे बी ऑब्टेन्ड बाय एंगलिंग द सेंट्रल रे टू द। ऑप्शन ए मीडियल ट्रांसवर्स प्लेन, ऑप्शन बी मीडियल सजाइटल प्लेन, ऑप्शन सी मीडियल कॉर्नल प्लेन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मीडियल सजाइटल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 32, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस डैश ऑब्जेक्ट टू फोकस डिस्टेंस इनटू फोकल स्पॉट साइज, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट टू फोकस डिस्टेंस इनटू फोकल स्पॉट साइज, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट टू फोकस डिस्टेंस, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट टू फोकस डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस इनटू फोकल स्पॉट साइज। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट टू फोकस डिस्टेंस इनटू फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ द एक्सरे बीम इन हैंड, ऑप्शन ए द वर्टिकल सेंटर रे इज सेंटर्ड ओवर द हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, ऑप्शन बी द वर्टिकल सेंटर रे इज सेंटर्ड ओवर द हेड ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल, ऑप्शन सी द वर्टिकल सेंटर रे इज सेंटर्ड ओवर द हेड ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल, ऑप्शन डी द वर्टिकल सेंटर रे इज सेंटर्ड ओवर द हेड ऑफ फोर्थ मेटाकार्पल। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी The vertical central ray is centered over the head of the third metacarpal. हम जब हैंड का एक्सरे करते हैं तो उसमें जो सेंट्रल बीम होती है वो फोकस होती है थर्ड मेटाकार्पल पर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आइडियल क्वालिटीज ऑफ अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स फ्रॉम द बिलो, ऑप्शन ए हाई इकोजेनेसिटी, ऑप्शन बी हाई एटोनेशन, ऑप्शन सी हाई ब्लड सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन डी हाई डिफ्यूजिविटी। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाई इकोजेनेसिटी। क्वेश्चन नंबर 45, टू डिमोन्स्ट्रेट हाइटस हर्निया, ऑप्शन ए लो एब्डोमिनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी हाई एब्डोमिनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी नो एब्डोमिनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाई एब्डोमिनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, थर्मोआयनिक एमिशन इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ, ऑप्शन ए न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन बी हीट एनर्जी, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी साउंड एनर्जी।
एक्सिट ट्यूब में जब हम एंड हीट अप्लाइड करते हैं तो उसमें थर्मो आयनिक एमिशन होता है और उसके थ्रू फिर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो इसका राइट आंसर इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हीट एनर्जी, क्योंकि इसमें हम फिलामेंट को हीट करते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर, एडवांटेज ऑफ सीलिंग सस्पेंडेड ट्यूब। ऑप्शन ए अनकलटेड फ्लोर स्पेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लोर ट्रैक। ऑप्शन बी पॉसिबल नीड टू रेनफोर्स द सीलिंग टू प्रोवाइड नेसेसरी स्ट्रेंथ टू होल्ड द ट्रैक्स सस्पेंशन एंड ट्यूब। ऑप्शन सी नीड फॉर मिनिमम रूम हाइट। ऑप्शन डी एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ हाई टेंशन केबल नीडेड टू कवर द इंक्रीज्ड एरिया। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनक्लटर्ड फ्लोर स्पेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लोर ट्रैक। इसमें पूछा गया जो सीलिंग सस्पेंडेड ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, उसका एडवांटेज यही होता है, हमारा जो फ्लोर का स्पेस होता है वो खाली होता है, उसको हम पोजिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स हम किसी भी साइड से पोजिशन कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 48, पोजिशन फॉर लिम रेडियोग्राफी में इंक्लूड। ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द लिम इन कॉन्टेक्ट विद द कैसेट। ऑप्शन बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लिम इन रिलेशन टू द एनाटॉमिकल पोजिशन। ऑप्शन सी द फाइनल एंगल टू द कैसेट ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू इमेजिनरी लैंडमार्क्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49, द एक्सरेज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए स्मॉल एरिया विद इन द डैश व्हेन एन एक्सपोजर इज मेड। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग कंसोल। ऑप्शन बी प्रोटेक्टिव हाउसिंग। ऑप्शन सी एक्सरे ट्यूब। ऑप्शन डी कॉलिमेटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सरे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 50, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड लैटिट्यूड एंड डायनामिक रेंज। ऑप्शन बी डिक्रीज्ड लैटिट्यूड एंड डायनामिक रेंज। ऑप्शन सी एक्विजिशन एंड डिस्प्ले आर नॉट सेपरेट प्रोसेसेस। ऑप्शन डी इमेजेस कैन नॉट बी एक्सेस्ड साइमल्टेनियसली एट एनी वर्कस्टेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज्ड लैटिट्यूड एंड डायनामिक रेंज। क्वेश्चन नंबर 52, रोटेशन ऑफ द लोअर लिम अकर्स एट द ऑप्शन ए हिप जॉइंट। ऑप्शन बी नी जॉइंट। ऑप्शन सी नेक जॉइंट। ऑप्शन डी एंकल जॉइंट। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिप जॉइंट। लोअर लिम में जो रोटेशन होता है वो हिप जॉइंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 54, हाइब्रिड टेक्निक दैट कंबाइंस द मेथड्स ऑफ फ्लोरोस्कोपिक इंट्यूबेशन एंड इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ स्मॉल बाउल विद सीटी। ऑप्शन ए सीटी एंटेरोकोलाइसिस। ऑप्शन बी सीटी फ्लिबोकोलाइसिस। ऑप्शन सी सीटी हाइपोडर्मोकोलाइसिस। ऑप्शन डी सीटी प्रोक्टोकोलाइसिस। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन ए सीटी एंटेरोकोलाइसिस। सीटी एंटेरोकोलाइसिस में स्मॉल बाउल में स्मॉल ट्यूब इंसर्ट की जाती है और इस ट्यूब के थ्रू कॉन्टास मीडिया डायरेक्ट स्मॉल बाउल में डाला जाता है। इसी प्रोसीजर को हम सीटी एंटेरोकोलाइसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, डैश प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू एन एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ऑप्शन ए मीडियल। ऑप्शन बी ट्रांसवर्स। ऑप्शन सी कॉर्नल। ऑप्शन डी एक्सियल। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉर्नल। जो कॉर्नल प्लेन होता है बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 60, द एक्टिव फॉस्फर लेयर ऑफ ए सीआर प्लेट यूजुअली कंप्राइजेस ए लेयर ऑफ यूरोपियम डॉप्ड बेरियम क्लोरोब्रोमाइड विच इज कोटेड ऑन टू ए। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम बेस। ऑप्शन बी स्टील बेस। ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल पॉलिएस्टर बेस। ऑप्शन डी मेटल बेस। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल पॉलिएस्टर बेस। सीआर प्लेट पर जो लेयर होती है यूरोपियम डॉप्ड बेरियम क्लोरोब्रोमाइड की, वो फ्लेक्सिबल पॉलिएस्टर बेस पर उसको कोट किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 64, रीजंस फॉर चूजिंग टंगस्टन एज ए फिलामेंट मटेरियल। ऑप्शन ए, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉन एमिशन एट लो टेम्परेचर्स। ऑप्शन बी, इट हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन सी, इट हैज़ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लॉन्ग लाइफ एंड कैन बी ड्रॉन आउट इनटू ए फाइन फिलामेंट। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट हैज़ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लॉन्ग लाइफ एंड कैन बी ड्रॉन आउट इनटू ए फाइन फिलामेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, एडक्शन रेफर्स टू। ऑप्शन ए, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिडलाइन। ऑप्शन बी, मूवमेंट टूवर्ड्स द मिडलाइन। ऑप्शन सी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। ऑप्शन डी, मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फोरआर्म इन विच द पाम इज मूव्ड फ्रॉम फेसिंग एंटीरियरली। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मूवमेंट टूवर्ड द मिडलाइन। क्वेश्चन नंबर 68, द पेशेंट स्टैंड्स विद द अफेक्टेड शोल्डर अगेंस्ट ए कैसेट दैट इज रोटेटेड डैश डिग्रीज टू ब्रिंग द प्लेन ऑफ द स्कैपुला पैरेलल विद द कैसेट। ऑप्शन ए 180 डिग्रीज, ऑप्शन बी 90 डिग्रीज, ऑप्शन सी 45 डिग्रीज, ऑप्शन डी 15 डिग्रीज। तो शोल्डर के एक्सरे के लिए हम कितने डिग्री पेशेंट को रोटेट करते हैं जिससे कि जो स्कैपुला है, जो प्लेन ऑफ द स्कैपुला है, वो पैरेलल हो जाता है कैसेट के। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए, एंटीरियर एस्पेक्ट दैट सीन व्हेन व्यूइंग द पेशेंट फ्रॉम द साइड। ऑप्शन बी, एंटीरियर एस्पेक्ट दैट सीन व्हेन viewing the patient from the front. Option C, anterior aspect that's seen when viewing the patient from the back. Option D, anterior aspect that's seen when viewing the patient from the midline. तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, anterior aspect का मतलब होता है when viewing the patient from the front, जब पेशेंट को सामने की तरफ से देखते हैं तो उसको हम बोलेंगे anterior। ठीक है, अगर हम पीछे की तरफ से देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे posterior aspect। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग विद इन द इमेज। ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन सी प्रोजेक्शन, ऑप्शन डी लाइट। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर डेंसिटी। जहाँ भी इमेज या फिल्म पर ब्लैकनिंग की बात आती है तो वो डेंसिटी से जुड़ा होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 72, द लाइट आउटपुट फ्रॉम द साइंडिलेटर डिटेक्टर कैन बी रीड आउट बाई ए। ऑप्शन ए सीसी कैमरा, ऑप्शन बी सीसीटी कैमरा, ऑप्शन सी 3D कैमरा, ऑप्शन डी एक्शन कैमरा। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीसीटी कैमरा। यहाँ पर सीसीटी की फुल फॉर्म होती है चार्ज कपल डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ऑप्शन ए इमेज कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन बी टीशू स्पेसिफिक, ऑप्शन सी लो टॉक्सिसिटी एंड स्टेबिलिटी इन वीवो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 74, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीटी प्रोसीजर्स। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड कॉस्ट, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड रेडिएशन डोज, ऑप्शन सी लॉन्ग टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 80, फैक्टर्स दैट लीड टू इमेज अनशार्पनेस। ऑप्शन ए ज्योमेट्री, ऑप्शन बी मूवमेंट, ऑप्शन सी अब्जॉर्प्शन ब्रैकेट इनहेरेंट फैक्टर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 81, इन एक्सेस सर्किट द सेकेंडरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी हाई टेंशन रेक्टिफायर्स, ऑप्शन सी एक्सिट ट्यूब, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 82, एडवांटेज ऑफ MR यूरोग्राफी। ऑप्शन ए यूजफुल इन पीडियाट्रिक एंड प्रेग्नेंट पेशेंट्स एज आयोनाइजिंग रेडिएशन इज अवॉइडेड। ऑप्शन बी इवेल्यूशन ऑफ रीनल वास्कुलेचर आर्टरी एंड वेन इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी पोस्ट फैक्टर, ऑप्शन डी द रिजल्ट्स आर नॉट एनकरेजिंग इन इवेल्यूशन ऑफ द रीनल कैलकुलाई। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूजफुल इन पीडियाट्रिक एंड प्रेग्नेंट पेशेंट्स एज आयोनाइजिंग रेडिएशन इज अवॉइडेड।
इसमें रेडियोग्राफी के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। बाकी जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो हिंदी, इंग्लिश, जीके और हरियाणा बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, बाकी इसमें सब